नमस्कार, मैं हूं जैनब और आप देख रहे हैं टुडे स्टेटमेंट। दिल्ली एनसीआर में 17 जून की शाम को हल्की बारिश हुई, जिससे झुलसा देने वाली गर्मी से लोगों को राहत मिली। हल्की बारिश के साथ तेज ठंडी हवाएं भी चली, जिसकी वजह से रात को तापमान में काफी गिरावट आई और आज यानी 18 जून को तापमान में पिछले दिनों की तुलना में काफी कमी आई है, जिसके कारण लोग थोड़ा सुकून में आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको चेतावनी देना चाहूंगी, भले ही दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के कारण भीषण गर्मी से राहत मिली हो, लेकिन गर्मी से राहत के साथ साथ डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां भी साल के इस मौसम में लिपटते आ ही जाती हैं। जरूरी है कि हम सब मिलकर इन बीमारियों के फैलने से पहले ही खत्म कर दें। सबसे पहले सबसे जरूरी है बीमारियों से बचने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहना। अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए और अच्छी नींद लें, ताकि हम सब का इम्यून सिस्टम मजबूत रहे। और अब बात करते हैं कुछ तरीकों की, जिनको हम सबको अपनाना बेहद जरूरी है इन घातक बीमारियों से बचने के लिए। ये उपाय कर हम सब घातक से बच सकते हैं। भले ही हम सबने यह तरीके कई बार पहले भी सुने होंगे और पढ़े भी होंगे, लेकिन अच्छी बातों को रिपीट करने में कोई नुकसान नहीं है। इसलिए एडीज मच्छरों के काटने से बचाव करना होगा। उसके लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकना होगा। इसके लिए अपने घर या ऑफिस के आसपास पानी जमा ना होने दें। जहां तक हो सके गड्ढों को मिट्टी से भर दें। रुके ही नालियों को साफ करें। अगर पानी जमा होने से रोकना मुमकिन नहीं है तो उसमें पेट्रोल या केरोसिन ऑयल डाल दें। रूम कूलरों, फूलदानों का सारा पानी हफ्ते में एक बार और पक्षियों को दाना पानी देने के बर्तन को रोज़ पूरी तरह से खाली करें, उन्हें सुखाएं और फिर भरें। घर में टूटे फूटे डिब्बे, टायर, बर्तन, बोतलें आदि न रखें। अगर रखें तो उल्टा करके रखें, क्योंकि डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं। इसलिए पानी की टंकी को अच्छी तरह बंद करके रखें। अगर मुमकिन हो तो खिड़कियों और दरवाज़ों पर महीन जाली लगवाकर मच्छरों को घर में आने से रोकें। मच्छरों को भगाने और मारने के लिए मच्छरनाशक क्रीम और स्प्रे का इस्तेमाल करें, जिससे डीट मौजूद हो। काइल्स आदि इस्तेमाल करें, पूरे कपड़े पहने और मच्छरदानी का प्रयोग करें। अच्छी सेहत एक नियामत है और शरीर को सेहतमंद रखना हमारा कर्तव्य है, और कर्तव्य को पूरा करने के लिए हमें जो जोखिम उठाने पड़े वह उठाने चाहिए। उम्मीद तो यही रहेगी कि हर साल की तरह इस बार लोग डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का शिकार ना बने और पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व स्वस्थ रहे।